सांसद जी आज आप एक चुनावी सभा में है, जनता के बीच है, क्या कहेंगे? नहीं, ये कार्यक्रम 28 मार्च के पहले तो चल रहा था, 28 मार्च से बंद हो गया। 28 मार्च के बाद फिर 21 तारीख से इस जंगीपुर विधानसभा में 21, 22, 23 तीन दिन का कार्यक्रम था। तो 21 तो हम लोग अपने कार्यालय के सभा कक्ष में ही रूटीन बैठक जो होती है पार्टी के पदाधिकारियों की, उनके साथ बैठक की है। लेकिन 22 और 23 को फिर हमने क्षेत्र में जनता के बीच में पहुंचकर छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करके गांव-गांव तक इस चुनावी मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश की है। जन समर्थन कैसा मिल रहा है? अब देखिए, इसको आप लोग आकलन कीजिए। जो खुद अपने लिए जन समर्थन मांगता है वो कब आपसे कहेगा कि हमें जन समर्थन नहीं मिल रहा? उनसे पूछिए, जो लोग बाद में प्रत्याशी घोषित होकर के आ गए हैं वो लोग भी जनता में घूम रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे पार्टी का, हमारे से पार्टी से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता और समर्थक पूरी तरह से करंट में हैं, बड़े उत्साह में हैं। और जनता के बीच में हम तो भले नहीं घूम सके, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के समर्थक, हमारे पार्टी के नेता बराबर जनता के बीच में रहे हैं। जनता गाजीपुर की इस घटना से, जिसकी वजह से ये 23 दिन का प्रचार का कार्यक्रम रुक गया था, इस घटना के बारे में भली भांति जानती है। न सिर्फ गाजीपुर की जनता बल्कि पूरी पूर्वांचल की जनता जानती है। आप घूमिए, सर्वे कर लिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, पूर्वांचल की हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यह जो कुकर्म किया है इन्होंने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ये गूंज गया ये मामला कि ये लोग किस हद तक नीचे जा सकते हैं। और एक ऐसे परिवार को, जिस परिवार के लोगों ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया हो, कुर्बानियां दी हो, देश की सीमाओं पर बलिदान दिया हो, उनको किस तरह से पीछा करके झूठे मामलों में फंसा के, और हद हो गई कि जो व्यक्ति 18.5 साल से जेल में बंद है, कई मामलों में सरकार खुद छाती फुलाती है कि हमने बहुत मजबूत पैरवी करके सजा करा दिया, और आज उसको जेल में जहर दे करके खुद उसने अपने जीवित रहते आरोप लगाया, लिखित दिया, अदालत के सामने बयान दिया। मजिस्ट्रेट से जाके मिल लीजिए, आप तो नहीं पूछ पाएंगे मजिस्ट्रेट की औकात है, लेकिन आएगा समय तो उस कोर्ट को भी बयान देना होगा। खुद मुख्तार ने कहा है कि मुझे जहर दिया गया है, और इस जहर के असर से अगर मुझे तत्काल गंभीरता से इलाज नहीं कराया गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। और ये सरकार और जेल का प्रशासन और डॉक्टरों की मिलीभगत से मेरी हत्या किए जाने का कुचक्र है, ताकि बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, जो सरकार के द्वारा पाले जा रहे दुर्दांत अपराधी, जो दाऊद इब्राहिम के फाइली हैं, इनको बचाया जा सके। सांसद जी, अभी बिसरा रिपोर्ट का आया है, जो न्यायिक जो जांच चल रही थी उसको, तो बिसरा रिपोर्ट में मतलब जहर नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसने किसने किया पोस्टमार्टम, और बिसरा किसने किया, घटना की FIR किसने लिखाई, घटना की जांच कौन कर रहा है? जब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है तो सरकार की इन एजेंसियों को थर थर कांप रहा था। डॉक्टर जब मैं गया था मौत से 2 दिन पहले 26 तारीख को, वो अपना फोन नंबर मुझे नहीं दे सकता था। मैंने कहा फोन नंबर दे दो ताकि मैं खैरियत पूछ लूंगा, तो उसने कहा प्रतिबंधित किया गया है मुझको। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल मैंने मिलने की कोशिश की, आधा पौन घंटा रुका रहा, नहीं मिलने दिया गया मुझसे। दूसरा रिपोर्ट की जो जांच सौंपी गई है, ये इसकी रिपोर्ट देखिए, किसी भी जांच और किसी भी रिपोर्ट, एक जांच एक बार में आपके और आपके चैनलों पे ही सुना कि सुपरिटेंडेंट साहब सबका बयान ले रहे हैं और डॉक्टर का भी बयान ले रहे हैं, फिर एक जांच पता चला कि वहां के मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं, मालूम हुआ कि ऐसी जांच कोई भी जो जुडिशियल कस्टडी में मौत होती है, चाहे बांदा में मुख्तार अंसारी की हुई हो या कहीं भी किसी तरह की हुई हो, उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होती है। फिर
आप ही जांच बैठा दीजिए, आप ही मजिस्ट्रेटियल जांच, आप ही न्यायिक जांच। अगर कोई परिजन चाहे भी कि भाई इसका पोस्टमार्टम निष्पक्ष हो जाएगा, एम्स का डॉक्टर अगर इसका पोस्टमार्टम करेगा तो हमको भी संतोष हो जाएगा। क्या कारण है सरकार भाग गई? क्या कारण है उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया? क्या ऐसी चीज थी जो नहीं हो सकती थी? इसलिए ये गुनाह से पर्दा हट जाएगा। मैं बताया पहले भी और आज भी बता रहा हूं, देखिए बिसरा में नाखून की जांच नहीं हुई है, पहली बात सुन लीजिएगा। आप जाके पूछ लीजिएगा जो बिसरा रिपोर्ट आई है उसमें नाखून आया था कि नहीं, और जहर की जांच के लिए नाखून और बाल की जांच से ये साबित हो जाता है कि ये व्यक्ति जहर से मरा है या कोई और कारण रहा है। ये जांच में जो जांच बिसरे वालों को चाहिए थी वो नमूना भेजा ही नहीं गया। बिसरा जांच करने के लिए जहां भेजा गया वहां पदासीन अधिकारी को हटा के दूसरा पदासीन अधिकारी बैठाया गया। अपने गुनाह पर पर्दा डालना है, लिपापोती करना है। कहां गए छाती फुलाने वाले जो कल कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे, अब मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, कहां गए? कहे यही परीक्षा की घड़ी है, 24 तारीख को उनकी औकात की परीक्षा होगी। देखिएगा गाजीपुर नहीं पूरे पूर्वांचल की जनता मरमाहत है। जो गरीब समाज के लोग किसी भुलावे में, किसी बहकावे में, किसी अपनी जाति बिरादरी के नेता के उकसावे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ सोच भी रहे थे, अब वो पूरा का पूरा समाज थूक रहा है। सर एक बात आ रही है कि जो बिसरा जांच आई है, क्या इस पे आपको जो है संदेह है? हाँ 200% जी, बिसरा की जांच नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी की सरकार, मोदी की सरकार के किसी जांच पर, किसी भी एजेंसी पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं न्यायिक जांच की मांग करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में करूंगा।